आप सभी जनों का दोबारा स्वागत है। हमने जो आखिरी के दो वीडियोस थे उसमें हमने राष्ट्रीय एकीकृत पहचान प्रणाली का क्यों उपयोग किया जाता और भारतवर्ष में इसका पहले कैसे कब से उपयोग किया गया है, तो हमने सबसे पहले ये वीडियो में हमने दिखाया था कि द्वारिका में सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पहचान का उपयोग किया गया था भारतवर्ष में। फिर और दूसरे देशों में भी राष्ट्रीय पहचान यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। और फिर इसके बाद दूसरे वीडियो में हमने ये दिखाया था कि हम विभिन्न प्रकार की डिवाइसेज यूज करते हैं राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए। और भारत में आधार कार्ड यूज किया जाता है। आधार कार्ड में मौजूदा समय में बहुत सारी समस्याओं को भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और ये अभी लास्ट हमारा जो स्लाइड था उसमें हमने आवाज, आंख की पुतली, चेहरा, फिंगरप्रिंट्स और उंगली की नस, ये सब भी हमने चर्चा किया था। तो जिसमें हमने देखा कि उंगली की नस हमारे निम्न स्तर की लागत होने के साथ साथ उच्च सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब ये फिंगर नस पहचान तकनीकी का ब्लॉक आरेख दे रखा है जिसके अंदर कैसे ये उपयोग में लाया जाता है। तो पहला हमारे पास फिंगर वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो फिंगर वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में हम चार बेसिक कंपोनेंट यूज करते हैं। पहला है हमारे पास इमेज एक्विजिशन, दूसरा है प्री प्रोसेसिंग, तीसरा है हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन एंड चौथा है मैचिंग करना। तो अब हम जब यदि मैं बता रहा था कि हमारा फिंगर वेन जो रहेगा, फिंगर वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, हम दोनों उंगलियों को यूज करते हैं, जो तर्जनी की दोनों उंगलियां होती हैं हम इसको उपयोग में लाते हैं कि यदि एक खराब भी हो जाए तो दूसरे से हम उसकी पहचान कर सकें। तो इमेज एक्विजिशंस में हमारे पास कि इमेज का असिसमेंट करते हैं कि जैसे कि मैंने अपना जो डिवाइस है उस डिवाइस के अंदर जब अपनी फिंगर्स को डाला तो इसके बाद यहाँ पे इमेज एक्विजिशन से, इमेज एक्विजिशन में इमेज असिसमेंट कि ये इमेज में कितनी ज्यादा हमारे पास फिंगर है, कितनी ज्यादा यहाँ पे नसें आ रही हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद लेकिन कभी कभी आपके पास कम या ज्यादा आ जाती है तो हम ROI यूज करते हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट के का सिलेक्शन करते हैं कि हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कि इधर लेफ्ट एंड राइट में हमारे पास ज्यादा इमेजेस आ गई तो इनको कट करना, ये होता है ROI में। तो इसके बाद हमारे पास जितना इक्वली साइज में हम उतना लेके चलते हैं, ROI में सिलेक्शन करते हैं। तीसरा प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग में हम इमेज क्या इनहेंसिंग करना और नॉर्मलाइजेशन करने का वर्क करते हैं कि ये हमारे पास इमेज आई है तो इस इमेज को बिल्कुल इनहेंस करके कि बिल्कुल एक एक वेन जो है, नस जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिखे, तो उसके लिए इनहेंस किया जाता है और वो बिल्कुल उसकी क्लियरिटी रहे, बिल्कुल साफ से दिखाई दे, तो उसके लिए हम वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स के अंदर उसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं। फिर इसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन में हमारे पास वेन बेस्ड मेथड्स आते हैं। वेन बेस्ड मेथड में हम अपना अलग अलग टेक्निक्स से अलग अलग एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए हम वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम इसको लोकल बाइनरी मेथड्स पर यूज करते हैं। लोकल बाइनरी बेस मेथड मतलब कि अब ये इमेज जो है इसको हम जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि कंप्यूटर जीरो एंड वन के वैल्यूज को ही समझता है, हम इसको बाइनरी फॉर्म करते हैं क्योंकि हमारी इमेज कंप्यूटर रीड नहीं करता वो जब तक कि हम जीरो और वन में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये आपका बाइनरी फॉर्म होता है। इसके अलावा उसके बाद हम डायमेंशनल रिड्यूशन बेस मेथड कि हमारे पास डायमेंशनल अलग अलग रहती है कि हम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस का यूज करते हैं, तो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के यूज में हमारे पास सबसे ज्यादा जो रहता है कि डायमेंशनल की दोनों हमारे पास डायमेंशन सही तरीके से रहे, तो इसके लिए हम डायमेंशन रिडक्शन बेस्ड मेथड यूज करते हैं। और इसके बाद म्यूटल बेस्ड मेथड्स, म्यूटल बेस्ड मेथड्स में हमारे पास कि बिल्कुल हमारे पास जो आ गया फिगर्स उसको अब हम दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं और कि वो हमारे पास कि वो रिकॉर्ड्स के अंदर स्टोर हो जाए, और जब रिकॉर्ड के अंदर स्टोर हो जाता है देन हम अपना मैचिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। और इसके लिए दो टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, डिस्टेंस बेस्ड मेथड एंड
क्लासिफायर बेस्ड मेथड, डिस्टेंस बेस्ड मेथड में आपके पास जो पहला आएगा कि ये नहीं, ये दो, ये नहीं, फिंगर है, फिंगर के बीच में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, ये हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए हम एल्गोरिथम लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये फिंगर है, इसके अंदर नसें जा रही हैं, तो नसों के बीच में हमारे पास इसमें कुछ नहीं तो आपके कम से कम 100 नसें होंगी, तो 100 नसों के बीच के हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स में। दूसरा हमारे पास क्लासिफायर, कि अब हम एक एक नस को, यदि हम दूसरा मेथड है क्लासिफायर, जिसके हम एक एक नस की जो थिकनेस होती है, जो मोटापा रहता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते मैच करते हैं कि यदि वही चीज सेम चीज आ रही है या नहीं। तो ये हमारे पास दो मेथड रहते हैं कि डिस्टेंस बेस्ड मेथड एंड क्लासिफायर बेस्ड मेथड्स। ये हमारा मेन ब्लॉक डायग्राम्स रहा जो कि आपका फिंगर वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, ये वेन रहा, ये वेन हमने जो डाली है, और ये हमारे पास जो एलईडी लाइट्स आ रही हैं वो उस पर डाली जा रही हैं। तो लाइट जब पड़ती है वेन पे, तो ये रेड कलर से शो किया गया है कि ये इसकी वेन रही, और इस वेन के अंदर ये कैमरा इसको रीड करता है। और इसके बाद ये नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि ये आपकी वेन के फिंगर्स के अंदर ये वेन दिखाई दे रही है, और इस वेन को, और ये जो डिवाइस है, ये आपकी ये डिवाइस होती है स्मॉल साइज डिवाइस एंड बहुत ज्यादा लो कॉस्ट की होती है, हम जो दूसरे कॉस्ट में यूज करते हैं। और ये वेन जो है, ये आप ये देख सकते हैं कि एक एक वेन को ये रिकग्नाइज कर रहा है, और ये आपका डिस्टेंस बेस्ड मेथड भी यूज हो सकता है रिकग्नाइज करने के लिए, या मैचिंग करने के लिए, या क्लासिफाइड बेस्ड मेथड भी हो सकता है। तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा सस्ती रहती है कंपेरिजन हम जब आधार कार्ड बनवाते हैं, जहां पर हम फिंगरप्रिंट्स भी यूज कर रहे हैं और रेटिना मैच भी कर रहे हैं। और ये आज की टेक्निक्स के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए जापान में यूज भी करा जाता है इस डिवाइस को, लेकिन अभी इंडिया में या भारतवर्ष में अभी इसका हम तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं। और इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के इंजन के रूप में क्लस्टरिंग, अब हम क्लस्टरिंग की बात करें कि क्लस्टर्स का क्या उपयोग है और इसको कैसे करना चाहिए। तो अब हमारे पास आधार कार्ड का सबसे बड़ी जो मेन चुनौती है कि वो एकीकृत नहीं है, कि बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनका एकीकरण नहीं हुआ है। एकीकरण करने के लिए हमको क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज करना पड़ता है। क्लस्टर मतलब कि आपके डिफरेंट सर्वर, कि हेल्थ का रहा, इनकम टैक्स का सर्वर रहा, आपका हॉस्पिटल का रहा, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो डिफरेंट सर्वर्स रहते हैं। और इस सर्वर्स में कि आपका जैसे वर्तमान परिवेश में COVID-19 की रहा, जिसने कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चुनौती दी, तो अर्थव्यवस्था को चुनौती देने के बाद हमारा हर चीज अब डिजिटलाइज होना जरूरी हो गया, क्योंकि COVID-19 ने हमको ये चीज सिखाई कि अब हम को क्लस्टर कंप्यूटिंग यूज करना पड़ेगा, उपयोग में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सारी सर्विसेज का एकीकरण करना अनिवार्यता हो गई है। कि जैसे कि लर्निंग का रहा, कि हम लर्निंग कर रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट मेथड, जूम मेथड या गूगल मीट्स हम यूज करके हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, तो लेकिन ये तो एक सर्विस का रहा, लेकिन सारी सर्विसेज का एकीकरण होना, कि यानी हमारे पास एक नंबर है। अब जैसे हम रखते हैं कि हम पैन कार्ड रखते हैं, उसका नंबर याद करना, हमें आधार कार्ड का नंबर याद करना, इसके अलावा आपके पास बैंक के डिटेल्स की याद रखना, या फिर आप ड्राइवरी लाइसेंस का नंबर याद रखना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए हम पूरी, जब कोई भी आएगा व्यक्ति, उसका बस एक राष्ट्रीय पहचान होगी, और उस राष्ट्रीय पहचान को हम सारी सारी सुविधाओं से जोड़ेंगे, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए हमने ये NIC का कंसेप्ट दिया है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कंसेप्ट। और इसके अलावा जब भी कभी कोई COVID-19 के अलावा भी कभी कोई महामारी आती है, या कोई भी आपदा आती है, या फिर कोई भी वॉर होता है, तो उस टाइम में आपका सबसे ज्यादा जो मददगार साबित होगा वो NIC होगा। क्योंकि मान लीजिए कि कोई वॉर हो रहा है, तो उसमें आपकी इंटरनेट की सुविधाएं मिल रही हैं, और आपके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो आप सारी सारी सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है, और ये हमारे पास एक क्लिक पर सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अब इसके अलावा ये सामाजिक एवं गैर सामाजिक कार्यों में भी ये मददगार
साबित होगी। इसके अलावा अब हम ये वर्क कैसे करेगा, तो ये मैंने बताया था फिंगर वेन रिकग्निशन सिस्टम और अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग के ब्लॉक प्रमुख दो टाइप्स के हमारे पास रहते हैं, क्लस्टरिंग सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। अब हम इसको हम जो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग का कैसे फिंगर वेन रिकग्निशन सिस्टम में यूज किया जाता है। धन्यवाद।